हेलो दोस्तों, आज हम लोग सहजन के फूल की सब्जी बनाएंगे जो सर से पांव तक हर बीमारी के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे इसी तरीके से मार्केट से मिलता है ये सहजन के फूल, आपको हर जगह सर्दियों के मौसम में अवेलेबल मिल जाएगा। इसे बस मैंने अच्छी तरीके से क्लीन पानी से धो लिया है और कुकर में डालेंगे और आधा कटोरी पानी भी हम लोग डाल देंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ और प्रेशर का ढक्कन लगा करके इसे 1 सीटी लगा देंगे। अब हम लोग चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पर 4 टेबल स्पून जो है तेल हम लोग गर्म कर लेते हैं। मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल में कोई भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और सरसों के तेल जो है काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। तेल के अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देते हैं पीला सरसों, मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी तड़का लगा सकते हैं, मैंने कोई भी चीज़ आप फ़ौरन में लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 कली लहसुन के जिसे मैंने बारीक काट के रखे थे और 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट के रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे और डाल करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे गुलाबी होने तक। 2 से 3 करी पत्ते मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे और स्लो फ्लेम में इसे कुछ देर तक 1 मिनट तक हम लोग भून लेते हैं। बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। अब यहाँ पे 1 कटे हुए छोटे साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और डाल करके इसे भी हम लोग भून लेते हैं। टमाटर जो है नरम हो चुका है। अब यहाँ पे सहजन के फूल जिन्हें हम लोग उबाल के रखे थे और उसका एक्स्ट्रा पानी जो है हम लोग फेंक देंगे, उसके सिर्फ फूल को ही यूज़ करेंगे। उबालते हम लोग इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक कसैलापन रहता है जो कि हमें नहीं चाहिए सब्जी के टेस्ट में। तो पानी हम लोग फेंक देंगे और उसका जो फूल है सहजन के उसे हम लोग यहाँ पे मसालों के साथ कुछ देर तक भून लेंगे। भूनने के बाद उसमें हम लोग फ्रेश मटर जो है मार्केट में अभी अवेलेबल आपको मिल जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे और डाल करके उसे भी थोड़ी देर तक चला लेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट अब हम लोग नमक डाल देते हैं। ध्यान रहे कि सहजन के फूल में भी आपने नमक डाला था। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम लोग ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद जो है मटर भी हमारा पक चुका है और फूल ऑलरेडी पका हुआ था। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए ड्राई भी हो चुका है और 1 हरी मिर्च को बारीक काट के हमने ऊपर से डाल दिया है जिससे कि हरी मिर्च का खुशबू सब्जी में बना रहे। सब्जी हमारा डन हो चुका है। तो दोस्तों रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।